हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आईपैड टेक अप। अभी एप्पल ने अपने नए दो आईपैड लॉन्च कर दिए, एक एप्पल आईपैड 4 एंड एक एप्पल आईपैड 8 जनरेशन। और 8 जनरेशन की जो प्राइसिंग है ना, वो बहुत ही कमाल की रखी है। तो अभी सवाल ये आता है कि क्या हमें एप्पल आईपैड 7 जनरेशन परचेस करना चाहिए या फिर एप्पल आईपैड 8 जनरेशन परचेस करना चाहिए, क्योंकि दोनों की प्राइसिंग बिल्कुल सेम रखी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप स्टूडेंट हो या फिर आप बिजनेस पर्पज़ के लिए कोई भी आईपैड लेना चाहते हो, तो आपको कौन सा आईपैड लेना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब विद बेल आइकॉन, क्योंकि हम यहाँ पे इसी रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पार्थ और आप देख रहे हैं आईपैड टेक अप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इन दोनों आईपैड में आपको सिर्फ एक मेजर चेंज देखने को मिलेगा, वो है इसका प्रोसेसर। एप्पल ने आईपैड 7 जनरेशन में A10 चिपसेट दी थी, बट एप्पल ने आईपैड 8 जनरेशन में एप्पल की एकदम लेटेस्ट चिप डाली है, जो कि है A12 बायोनिक चिप विथ न्यूरल इंजन। तो ये एक ही चेंजेस है ना, वो हमें मजबूर करती है ये सोचने के लिए कि हमें कौन सा आईपैड लेना चाहिए। बाकी सब कुछ की बात करें, जैसे कि ब्लूटूथ वर्जन हो गया, वाईफाई हो गया, कैमरा हो गया, डिस्प्ले क्वालिटी हो गई, डिस्प्ले साइज़ हो गई, डिस्प्ले की ब्राइटनेस होगी, वो सब कुछ सेम टू सेम मिलती है। इन दोनों आईपैड में आपको एप्पल पेंसिल का सपोर्ट देखने को मिलता है, फर्स्ट जनरेशन का स्मार्ट कीबोर्ड का सपोर्ट देखने को मिलता है, वो सब कुछ सेम है। बैटरी कैपेसिटी, बैटरी चार्जिंग स्पीड, सब कुछ डीटो वैसे का वैसा ही मिलता है। लुक्स की बात करें तो लुक्स भी आपको बिल्कुल सेम टू सेम ही मिलते हैं इन दोनों आईपैड में। बॉडी सेम टू सेम है, जस्ट एक आईपैड में अपना नया इंजन डाल दिया है A12 बायोनिक चिपसेट। इसकी हेल्प से अपना आईपैड बहुत ही बेहतर बन जाता है, जिसमें आपको ज़्यादा स्पीड मिलेगी, ज़्यादा क्लॉक स्पीड मिलेगी। तो आने वाले टाइम में ये जो आईपैड 8 जनरेशन है ना, वो बहुत सारे काम कर सकता है एज़ कम्पेयर टू 7 जनरेशन। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि अगर आप इस टाइम पे कोई आईपैड लेने की सोच रहे हो ना, बड़ी डिस्प्ले वाला एकदम बजट में, तो आईपैड 8 जनरेशन वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। आईपैड 8 जनरेशन में मुझे एक ही बात पसंद नहीं आई है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 29,432 GB स्टोरेज, इट्स नॉट गुड। आजकल हम लोग अपने फ़ोन में भी 32 GB का SD कार्ड नहीं डालते हैं, तो हम आईपैड में कैसे चला सकते हैं 32 GB स्टोरेज। अगर आईपैड ने 31,000 करके 64 GB स्टोरेज दिया होता ना, तो बहुत ही अच्छा सा ऑप्शन रहता, बट फिर भी हम थोड़ा सा काम तो कर ही सकते हैं 32 GB स्टोरेज के साथ में आईपैड से। अगर आप मैनेज करते हो अपना स्टोरेज, इसमें डालते हो लैपटॉप में और वो सब कुछ करते हो, तो आप बहुत ईजिली मैनेज कर पाओगे ये सब कुछ स्टोरेज। तो अगर आप इन दोनों में से कोई भी आईपैड को खरीदना चाहते हो ना, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके इन दोनों आईपैड को आप परचेस कर सकते हो। बाकी और भी कोई क्वेरी है आपको इसी आईपैड के रिगार्डिंग या फिर और भी कोई आईपैड के रिगार्डिंग, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और आपको ये वीडियो कैसी लगी उनकी भी जानकारी मुझे दे देना कमेंट सेक्शन में। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कर दीजिए लाइक एंड शेयर और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब विद बेल आइकन, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसे ही अमेजिंग टेक वीडियोस पोस्ट करते हैं। और मैं मिलता हूँ आपको ऐसे किसी और नए वीडियोज़ में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।